काशीवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेव अहन्नमत्तो नीति मे निश्चिता मतिः। आगे वेदांत श्रवणादि प्रसंगे सति तत्प्रतिबंधक शीतोष्ण चुत्पिपासादि द्वंद्वांतराय सहन रूपातिदीक्षा कार्या। तो क्या कहते हैं, वेदांत श्रवणादि प्रसंगे सति, वेदांत का श्रवण चल रहा है, मनन करना है इत्यादि जब भी चल रहा है, तभी तत्प्रतिबंधक शीतोष्ण चुत्पिपासा, क्योंकि अभी किसका ये बता रहे हैं, ये चौथा अंक है, इस पर है तितिक्षा। तो तितिक्षा क्या है, शीतोष्ण चुत्पिपास आदि द्वंद्व सहन, तो भूख प्यास ठंडी गर्मी इसका सब सहन करना, इसको ही क्या कहते हैं, इसको तितिक्षा कहते हैं। तो कहते हैं कि जब श्रवण, इसका महत्व क्या है तितिक्षा का, जब श्रवण चल रहा है तब क्या होगा, अगर भूख लग रही है प्यास लग रही है तो श्रवण कैसे होगा, वैसे ही क्या है कि ठंडी है, अरे बहुत ठंडे बहुत, मन तो वही लग रहा है बहुत ठंडे बहुत ठंडे, श्रवण कहां से होगा, मनन कहां से होगा। तो कहते हैं कि तत्प्रतिबंधक, कि श्रवण आदि के प्रतिबंध के रूप में ये शीत उष्ण शुत या तो पिपासा इत्यादि जो भिन्न है विरोधी है, ऐसे गुण क्या है, ये प्रतिबंधक के रूप में श्रवण के प्रसंग में आते हैं, इसीलिए उसके लिए सहन करने की आवश्यकता है, सहन रूपा तितिक्षा कार्य। अन्यथा नहीं तो क्या होगा, श्रवण नहीं हो पाएगा, शुत्पिपासादि प्रतिकारे व्यापृत चित्तस्य, जिसका चित्त भटक रहा है, मन भटक रहा है कि भूख लगी है, पाठ खत्म होते थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, तो क्या है कि पाठ कभी खत्म होगा, या तो श्रवण कर रहे हैं, हाँ करना तो है, रोज तो करता हूं, इस समय आज ठीक से हो नहीं पा रहा क्योंकि भूख लगी है प्यास लगी है, तो टूट जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि विचार भी अगर कर रहे हैं तो क्या होगा, विचार तो चलते रहेगा, थोड़ा खा लेते हैं, साथ में कर लेते या तो साथ में खाते समय नहीं हो पाएगा, तो कहते हैं व्यापृत चित्तस्य क्षुत्पिपासादि प्रतिकार, ऐसा प्रतिबंध आएगा तो विरोध होगा उससे श्रवण आदि का, इसलिए श्रवण आदि प्रवृत्ति असंभव स्यात्, आगे जाके प्रवृत्ति नहीं होगी, खाने में मन रहेगा तो सुनने में मन नहीं लगेगा, श्रवण करने में और मनन करने में नहीं लगेगा मन, तो इसीलिए क्या है कि ऐसा नहीं कि भूखा रहे, पर भूख लगी है तो उसको महत्व ना दे, कि ये क्या है कि हाँ एक वृत्ति है आएगी इसके बाद हो जाएगा, इसीलिए उस समय पर नहीं करना, उस समय भूख और प्यास की चिंता नहीं करनी है। अतः अवश्यम तितिक्षा संपादनीय, इसलिए तितिक्षा आवश्यक है, इसका संपादन करें। आगे पंचम क्या है, यहाँ कहते हैं साधना नाम एक एक साधनत्वेन, तो समाधि नाम षण्णा अपि साधना नाम एक साधनत्वेन, एक साधनत्व क्योंकि ये क्या कि समाधि जो छह है, शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये जो समाधि षटक संपत्ति कही जाती है, ये छह भी जो है वो एक ही साधन है, छह भिन्न नहीं है, इसलिए साधन चतुष्टय संपत्ति कहा है, ना कि तीन और ये छह मिलकर नौ नहीं कहा है, न नव इति नियम। तो आगे कहते समाधि नाम षण्णाम साधना नाम एक साधनत्वेन एव अभिप्रेतत्वात्, ये हमने पंक्ति नहीं पढ़ी थी लगता है, समाधि नाम षण्णाम साधना नाम एक साधनत्वेन, एक ही साधना है छह मिलकर, षटक संपत्ति एक संपत्ति है, छो का भी होना आवश्यक है अभिप्रेतत्वात्, यही अभिप्राय है जिन्होंने साधने चतुष्ट संपत्ति बतलाई है। तो विवेकादीनि चत्वारी एव साधना, चार साधन है क्योंकि छह भिन्न करेंगे तो तीन और छह मिलकर क्या हो जाए नौ, न नव इति नियम, नौ नहीं है केवल चार ही है, क्योंकि ये छह मिलाकर एक होगा,
तो इस पे एक साधनता कैसे है, क्षमा अलग है, क्षमा का लक्षण आपने दिया है, दमा का लक्षण दिया है, तो छह मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? तो उस पर टिप्पण में कहते हैं, आत्मा रथिनम विद्धि शरीरम रथम एव तु बुद्धिम तुषारथिम विद्धि मन प्रग्रहम एव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्यागुर मनीषिणः। बहुत सारे कठ मंत्र देते हैं, क्योंकि आत्मान रथिनम विद्धि, तो रथ की कल्पना है, बहुतों ने सुना, गीता में भी आता है, कठोपनिषद से आता है कि जो जीव है और जो रथ है उसमें एक कल्पना करते, रथ की कल्पना करते कि ये शरीर क्या है, शरीर में जीव कौन है, ये जीवात्मा शरीर में है, तो शरीर क्या है, आत्मानम रथिनम विद्धि, तो रथ क्या है और रथी कौन है, उसमें अभी रथ में भी क्या है कि अश्व है, घोड़े लगे हुए हैं, और घोड़े घोड़े कहाँ है, पथ पर भाग रहे, रास्ते पर भाग रहे, विषय आते हैं, तो विषय क्या है, वो जो पथ है वही विषय है, और घोड़े क्या है, इंद्रियों जैसे, जैसे अभी पांच घोड़ों की कल्पना कीजिए रथ में, तो पांच घोड़े पांच इंद्रिय जैसे, तो क्या है कि घोड़े इंद्रिय जैसे विषय के पीछे भागते हैं, वैसे ही घोड़े पथ पर भाग रहे हैं, और उनका नियंत्रण कौन करता है, उनका नियंत्रण करने के लिए एक सारथी चाहिए, रथ सारथी, तो रथ सारथी क्या है, बुद्धि है, और रथ सारथी भी घोड़ों को केवल कह नहीं सकता कि रुको या यहां जाओ, तो क्या करता है, उनको वो जो रस्सी है उससे पकड़ता है, बांधकर पकड़ता है रस्सियों से, और रस्सी खींचकर उनको उससे वो मार्गदर्शन करता है कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है घोड़ों को, तो वो जो प्रग्रह कहते हैं, जो रस्सी बांधी है उसको, वो क्या है, वो मन है, तो मन के द्वारा बुद्धि इंद्रियों का नियंत्रण करती है, और इंद्रिया क्या है, विषय में जो भाग रही है वो इंद्रियों को वश में रखती है, इसीलिए बुद्धि क्या है, ये सारथी है, सारथी जो बुद्धि है वो मन के द्वारा माने रस्सियों के द्वारा घोड़ों को माने इंद्रियों को विषय से, माने विषय ले लीजिए या तो आप ले लीजिए पथ, उससे हटाते हैं, इसीलिए या तो उस पर ठीक से नियंत्रित केंद्रित कर घोड़ों को भगाती है, इंद्रियों को भी वैसे ही केंद्रित कर चलाना है, इसीलिए बुद्धि सारथी है। आत्मा कौन है, आत्मा रथी है, जो रथ में प्रवास कर रहा है, नहीं घोड़ों को वहां जाना है जहां माने जिसको ये रथ भाग क्यों रहा है, रथ घोड़े क्यों भाग रहे, रथ को पहुंचाने के लिए, सारथी भी क्यों कर रहा है काम, क्योंकि रथ को पहुंच, किंतु न रथ को वहां जाना है, न घोड़ों को जाना है, न सारथी को जाना है, विशेषता किसको जाना है, जो प्रवासी है वहां पे रथी है उसको जाना है, वो कौन है, आत्मा, तो आत्मा शरीर के माध्यम से प्रवास कर रही है, तो आत्मा का जो लक्ष्य है वो सभीयों का लक्ष्य होना चाहिए, इंद्रियों को विषय की ओर जाना है, आत्मा का काम उसमें निकल रहा है नहीं निकल रहा है, आत्मा को वो फल प्राप्ति हो रही है जो चाहिए, तब जाकर इंद्रिया काम करनी चाहिए, ना कि इंद्रिया विषय में जा रही है और आत्मा को खींच के लेके जा रही है मन द्वारा बुद्धि द्वारा इत्यादि, तो इसीलिए क्या है कि जिसके वश में ये सभी है वैसा रथी जो है, आत्मा जो है वो अपने लक्ष्य तक जा पाएगा, जिसके वश में नहीं है, अगर घोड़े अगर सारथी के वश में नहीं है तो किसका सारथी, तो क्या है कि स्वार्थी को कष्ट तो होगा, किंतु अधिक कष्ट सबसे क्या, अधिक कष्ट किसको है, रथी को है, रथी नहीं पहुंच पाएगा, जिसको जाना है वो प्रवासी नहीं पहुंच पाएगा, तो इसीलिए क्या है कि आत्मा रथी के हित में है कि सभी ढंग से काम करे, तो अभी कहते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि, आत्मा को ही रथी जानो, उदाहरण में जो रथी है वो उदाहृत में आत्मा है, और शरीर क्या है, ये शरीर के माध्यम से सब चल रहा है, ये शरीर ही रथ का जो शरीर रथ है जो है वही शरीर है, और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, जैसे बतला है सारथी कौन है, बुद्धि सारथी है, वही नियंत्रण करेगी किसका, सभी इंद्रियों का, तो विधि मन क्या है, प्रग्रह है, जो रस्सी जो है जिससे घोड़ों को बांधा जाता है, नियंत्रण किया जाता है, वो मन है, और इंद्रिया क्या है, हयानी आहु,
इंद्रियों को जानो तुम, इस उदाहरण में क्या है कि घोड़े हैं विषयांशु तेषु गोचरान। तो ये विषय क्या है, इंद्रिय के जो विषय है वही है जो है जिस पर ये घोड़े भाग रहे हैं, जिनकी ओर भाग रहे हैं। आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहु मनीषिणः। तो जो बुद्धिमान है, जो मनीषी है, वो क्या कहते हैं, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम, आत्म इंद्रिय और मन के साथ जो युक्त है वो भोक्ता बन जाता है, वो रथी भोक्ता बन जाता है। जो आत्मा इंद्रिय और मन से जुड़ी है वही भोक्ता है। केवल आत्मा तो भोक्ता नहीं है, कौन सा आत्मा भोग कर रहा है, जो इंद्रिय और मन द्वारा भोग कर रहा है विषयों का वो भोक्ता है। तो इसीलिए क्या, आत्मेंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहु मनीषिणः। तो अभी देखना चाहिए इस आत्मा को क्या चाहिए, भोग चाहिए विषयों का या मुक्ति चाहिए उनसे। तो आगे कहते हैं, तो इसमें अभी जो आत्मा है जिसको जो चाहिए उसके लिए ये सब साधन है, इंद्रिय मन और बुद्धि साधन है। तो इंद्रिय मन और बुद्धि एक व्यक्ति की कैसे चलती है और दूसरे व्यक्ति की कैसे चलती है वो दिखलाते हैं उदाहरण से। तो कहते हैं कि जिसके अश्व नियंत्रण में नहीं आते वो क्या है कि दुष्ट हो गए, दुष्ट अश्व हो गए, उनको कहेंगे दुष्ट अश्व। और जिसके नियंत्रण में है, अश्व नियंत्रण में है जिसके, वैसे अश्व क्या हो गए, वो दुष्ट नहीं है, वो सदाश्व है, उनको कहेंगे सदाश्व, अच्छे घोड़े हैं, मानते हैं मेरी बात। और जो नहीं मानते, कितने भी वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं किंतु क्या है कि सारथी के हाथ नहीं आते, नहीं वो खींच के लेके जाते हैं जहां जहां है, तो वैसे को दुष्टाश्व कहेंगे। तो अभी कहते हैं, अभी दो भाग में बताते, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, ऐसे ये मंत्र चलते हैं। तो पहले क्या कहते हैं कि ये जो साधक नहीं है उसके, या साधक नहीं हो पा रहे उसके बारे में कहते हैं, यस्तु अविज्ञावान, यस्तु अविज्ञानवान भवत्यवि अयुक्तेन मनसा सदा तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वायव सारथे है। सो सारथी के लिए जो दुष्टाश्व है वैसे इंद्रियाणि है, इंद्रिया, इंद्रिय जिसके वश में नहीं है। तो क्या कि इंद्रिय वश में नहीं है, जैसे घोड़े वश में नहीं है सारथी के, वैसे इंद्रिय बुद्धि के वश में नहीं है। तो सारथी वही प्रगृह का प्रयोग तो कर रहा है किंतु अश्व काम नहीं कर रहे ठीक से, तो दुष्टाश्व है। तो वो क्या, उसका क्या होता है, वैसे बताते हैं, जैसे ये यस्तु अविज्ञानवान भवति, जिसको ये विज्ञान नहीं, विवेक इत्यादि नहीं है आत्मा अनात्म का, और विषय इंद्रिया जहां जा रही है, कहां जा रही है, विषय खींच रही है इंद्रियों को, इंद्रिया जा रही है, इंद्रिय इंद्रिय जाते जाते क्या मन को भी ले जा रहे हैं, मन के साथ बुद्धि भटक रही है। तो सारथी काम, बुद्धि जो है सारथी का काम नहीं कर पा रही है, घोड़े सारथी कर रहे हैं। जैसे अभी रस्सी तो दोनों बंधी हुई है, इसके सारथी के हाथ में रस्सी है और घोड़ों से बंधी हुई है, अगर घोड़े दुष्ट है तो घोड़े सारथी को खींच रहे हैं, रस्सी वही है, रस्सी से घोड़ों को सारथी खींच नहीं पा रहा है किंतु घोड़े उसी रस्सी से सारथी को खींच रहे। वैसी अवस्था है हमारी कि इंद्रिया विषय की ओर जाना चाहते हैं, हम नहीं जाना चाहते, हम वहां भटकना ही नहीं चाहते, किंतु क्या है कि इंद्रिया खींच कर ले जा रही है, मन मन तो जोड़ रहा है बुद्धि को विषयों के साथ, पर विषयों से हम खींच सकते हैं, मन के द्वारा बुद्धि खींच सकती है, किंतु क्या है कि बुद्धि को ही खींचा जा रहा है। जैसे वो रस्सी का खेल होता है, कीचड़ बीच में होता है, जो भी रस्सी के खींचते हैं, तो वैसे होगी यह अवस्था। तो यह तू अविज्ञानवान होती, जिसको विज्ञान नहीं है इसका कि ये ऐसे उल्टा नहीं होना चाहिए कि घोड़े मुझे खींचे, मुझे घोड़ों को ठीक से संभालना है और मार्गदर्शित करना है। वैसे ही जो बुद्धि मन को ना भटकने दे, इंद्रियों को अपने वश में रखे, वो विज्ञानवान है, जो नहीं है वो अविज्ञानवान है। इसीलिए यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सह। अभी ये क्या है कि विज्ञानवान पुल्लिंग जो है, ये जो सारथी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और सारथी के बाद जो आत्मा है उसकी बात कर रहे हैं। तो आत्मेंद्रिय मनोयुक्त भोक्ता हो गया, तो ये भोक्ता जो है जो अविज्ञानवान है, तो आत्मा को ही कह रहे हैं, जो इनसे जुड़ा हुआ है, जो जिसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही, इसलिए अविज्ञानवान है। तो यह तू अविज्ञानवान भवति, और अभी ये देखेंगे अविज्ञानवान और विज्ञानवान, ये दो मंत्रों में ऐसे ही इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, एक अविज्ञानवान है, दूसरा विज्ञानवान व्यक्ति जो भोक्ता है।
माने आत्मा जो मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है, जो जो आत्मा जुड़ा हुआ है, तो क्या कहते हैं, यह तो अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा। कैसा मन है ये मन तो अयुक्त है, बुद्धि के नियंत्रण में नहीं है। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, उसके उसकी इंद्रिया क्या हो जाती है, अपने वश में नहीं रहती। जैसे सारथी के वश में ये दुष्ट अश्व नहीं रहते। अब ये दूसरा भिन्न कौन है, विज्ञानवान है। यह तू विज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान है, जिसको पता है क्या करना है, धर्माचरण कर रहा है, उसके बारे में कहते हैं युक्तेन मनसा सदा, मन उसके वश में है, युक्त है कि जो ठीक से जुड़ा हुआ है, कि मन मेरा सेवक है ये मानता है, ना कि मन का मैं सेवक हूं। तब क्या होगा, तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसके वश में इंद्रिया रहेगी, जैसे सदस्वा इव सारथे, सारथी के वश में जैसे अश्व हो, घोड़े हो, वैसे इसके वश में इंद्रिया होती है। यस्तो विज्ञानवान भवति अमनस्क सदा शुचि ही न स तत्पदम आपनोति संसारम चा अधिगच्छति। ठीक है, एक के वश में नहीं है इंद्रिया, दूसरे के वश में है, तो क्या हुआ, अगर पूर्व पक्षी के तो क्या हुआ, तो कहते हैं अविज्ञावान जो है, अविज्ञानवान जो है, जिसके नियंत्रण में मन और इंद्रिया नहीं है, तो अमनस्का, जिसका मन जा रहा है वहां ये जा रहा है, तो मन इसके नियंत्रण में नहीं है, तो ये क्या है कि इसके पास मन ही नहीं है। जैसे मन ही नहीं है, मन के पास ये है, इसके पास मन नहीं है, तो क्या ये अमनस्क हो गया। सदा असुचि ही, कभी भी शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि मन तो भटकते रहता है, उसमें तो क्या, जैसे संस्कार है, वासना है, वैसे ही चलते रहेगा, तो ये क्या है कि सदा अमनस्का, ये ही अशुद्ध है, और क्या होगा, और इसको तो तत्पद नहीं समझ में आएगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। न स तत्पदम आपनोति, परब्रह्म नहीं प्राप्त करता है, तब क्या होगा, संसारम च अधिगच्छति, संसार को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है माने क्या, प्राप्त ही है, संसारी संसारी ही रहेगा, उसको ब्रह्म नहीं मिलेगा कहते। इसीलिए क्या है कि विज्ञानवान होना चाहिए, अविज्ञानवान नहीं होना चाहिए। तो अभी दूसरे के बारे में कहते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचि, यहाँ पे अवग्रह नहीं है, सदा शुचि ही, वहां पे सदा अशुचि, दोनों पदच्छेद हो सकते हैं वहां पे। तो यस्तु विज्ञानवान भवति, जिसके नियंत्रण में मन है, वो समनस्क हो गया, मन के साथ है, मनसा सह वर्तते इति समनस्कः, ये आत्मा जो मन के साथ है, माने मन इसके बुद्धि के नियंत्रण में है, सदा शुचि ही, वो सदा शुद्ध ही होगा, क्योंकि मन को यहां वहां भटकने नहीं देगा। तभी क्या, इंद्रिया भी अपने वश में आएगी, सतु तत्पदम आपनोति यस्माद् भूयो न जायते। तो वो तत्पद, तत्वमसि में तत्पद जो है, ब्रह्म है, ईश्वर है, उसको प्राप्त करता है, यस्माद् भूयो न जायते, भूय माने पुनः, पुनः न जायते, पुनरावृत्ति नहीं होती, पुनर्जन्म नहीं होगा, मुक्ति मिल जाएगी कहते हैं। विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रग्रहवान नर सोद्वन पारमाप्नोति तद विष्णु परमं पदम। तो आगे स्तुति क्या, फल रूप में क्या है, फलश्रुति है, विज्ञान सारथी यस्तु, यह विज्ञान सारथी है, जो सारथी क्या है, जो बुद्धि मन को नियंत्रित कर सकती है, उसके द्वारा इंद्रियों को अपने वश में लग सकती है, विषय से हटा सकती है, वो विज्ञान सारथी है। तू मनः प्रग्रहवान नरः, कि मन भी अपने नियंत्रण में है, और क्या है कि रस्सी भी अपने नियंत्रण में, कभी कभी कर घोड़े इतने भाग रहे, रस्सी हाथ से छूट जाती है, नहीं तो क्या है कि फिसल जाएगा, या तो क्या है कि चोट आ जाएगी, तो छोड़ देता है। तो वैसा नहीं, ये जो है विज्ञान सारथी यस्तु मन प्रग्रवान न रहा, मन जो प्रग्रह रूप में है, रस्सी के रूप में, वैसा नर जो है, सह अध्वन पारमाप्नोति, वो संसार के पार पहुंच जाता है, और क्या है, तद विष्णु परमं पदम, वो क्या है, वो कौन सा पद है, अध्वन पारम आपनोति, कैसा पद है वो, विष्णु परमं पदम है। विष्णु, विष्णु शब्द से तो हम जो जानते हैं, विष्णु देवता ईश्वर का नाम है, या तो क्या है कि व्यापकत्वात् विष्णु हो, भगवान भाष्यकार कहते हैं विष्णु के व्यापकत्वात्, क्योंकि व्यापक तत्व जो है ब्रह्म, उसी को विष्णु कहते हैं। विष्णु केवल एक संज्ञा है, ऐसे नहीं कि विष्णु एक देवता है, कोई नाम रूपवान है। शरीर रूपस्थ इंद्रियाणि हया मन प्रग्रह बुद्धि सारथि आत्मा
यजमान रति, ये समझाया मैंने, तो वही कहते हैं शरीर रूप में जो क्या है रथ है, शरीर को ही रथ बताया गया है उस उदाहरण में, और इंद्रिय क्या है अश्व है घोड़े है, मन क्या है प्रग्रह है रस्सी है वो मन, और बुद्धि सारथी जो रथ को चलाने वाला है वो बुद्धि है, आत्मा यजमान रथि, यजमान कौन है जो प्रवास कर रहा है रथ में, रथी वो आत्मा है शरीर में प्रवास करने वाला, यस्य यजमानस्य बुद्धि रूप सारथी विज्ञानवान कुशल तस्य इंद्रिया तस्य इंद्रिय अश्व, इंद्रिय जो अश्व बताए गए हैं वो क्या है सन्मार्गे गत्वा यजमानम मोक्षम गमयेयुः, मोक्ष ही लक्ष्य है रथ का इस शरीर का, और जिस यजमान का कौन आत्मा, जिस आत्मा का, जिस आत्मा की बुद्धि रूप सारथी, तो जो सारथी है वो क्या बुद्धि रूप में, उदाहरण में सारथी है और बुद्धि ही नियंत्रण करती है, इसलिए बुद्धि को ही सारथी के रूप में देखा गया, विज्ञानवान, विज्ञानवान वो यजमान क्या है कुशल क्या हो जाता है उसको क्या है कि धर्म का आचरण कर रहा है, तस्य इंद्रिय अश्वाहा, इंद्रिय जो अश्व के रूप में उदाहरण में बताए गए हैं वो सन्मार्गे गत्वा अच्छे मार्ग पे जहां जाना है वही जाते हैं, और इंद्रिया वहां जाकर क्या करती है यजमानम मोक्षम गमयेयुः, अंत अंततो गत्वा जहां जाना है वहीं पहुंचाती है, वैसे ही मोक्ष को, मोक्ष लक्ष्य है इस जीव का यजमान का आत्मा का, वहां पहुंचा देती है, इसीलिए वो सब क्या करण है साधन है। विपरीत बुद्धि सारथ्योपेतस्तु यजमान, जो यजमान क्या है ऐसा यजमान है आत्मा है जो विपरीत बुद्धि सारथी, जिसके पास क्या है कि बुद्धि सारथी विपरीत है माने उसके नियंत्रण में नहीं है, वो मन के नियंत्रण में, मन इंद्रियों के नियंत्रण में इत्यादि, और इंद्रिय विषयों के वश में है, अदांत इंद्रिय अश्वी ही निषिद्ध मार्गेण नरकम प्राप्नुयात, वो तो नरक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि विषय ले जाएंगे इंद्रियों को जहां जाना चाहती है, संस्कार तो सब मिले जुले है, तो जो सबसे सहज मार्ग है इंद्रियों के लिए वो क्या है कि जहां जाना चाहिए भटकने दो, मन भी क्या है अपने इसमें उसका स्वभाव ये भटकना, तो कुछ भी विचार चलते रहता है, जब तक बुद्धि नियंत्रित नहीं करे तब तक कुछ भी विचार चलते रहता है, क्योंकि इतने सारे इंद्रियों से अनादि जन्म से क्या क्या प्राप्त है वो सब संस्कार रूप में है, इसीलिए क्या कि बुद्धि तो चलते रहेगी, मन तो चलता रहेगा, अगर बुद्धि नियंत्रित नहीं करे तो केंद्रित न करे तो बुद्धि कुछ भी विचार करते रहती है, क्योंकि मन भटका देता है। विपरीत बुद्धि सारथ्योपेतस्तु, वैसा यजमान जो है इनसे युक्त जो है कि विपरीत बुद्धि से जो युक्त है यजमान, अदांत इंद्रिय, जो दांत इंद्रिय नहीं है, जो इंद्रिय वश में नहीं है इसलिए दम नहीं है, तब क्या होगा वैसे अश्व इंद्रिय जो अश्व बताए गए निषिद्ध मार्गेण नरकम प्राप्नुयात, कहीं तो जाकर रास्ते से भटककर घोड़े कहीं भी ले जाएंगे, पता चले कि पर्वत के कोने में लेके जाकर रथ रथ सारथी को गिरा दिया, रथी और सारथी दोनों को गिरा दिया, रथ को भी गिरा दिया, घोड़े भी गिर सकते हैं, तो इसीलिए क्या है कि वैसे ही क्या है कि ये नरक पहुंच जाएगा यजमान प्राप्नुयात, तस्मात मुमुक्षु बुद्धि सारथिम स्वेच्छाचारा प्रतिनिवर्तयन इंद्रियाश्वान सन्मार्गे प्रवर्तयति, इसीलिए क्या है कि इसको क्या क्या करना चाहिए मुमुक्षु को, मुमुक्षु को बुद्धि जो सारथी है उस बुद्धि को सारथी के रूप में ठीक से रखे, और वैसे बुद्धि से मन का नियंत्रण करे, और स्वेच्छा स्वेच्छारात स्वेच्छाचारात स्वेच्छा के आचार में जो प्रतिनिवर्तय इंद्रिय अश्वान, जो इंद्रिय जो है वो अश्व जैसे भटक रहे हैं वैसे अपनी इच्छा से भटक रहे, स्वेच्छाचारात प्रतिनिवर्तयन, इंद्रियों को अपने इच्छा से जैसे घोड़े अपनी इच्छा से कहां भाग रहे हैं जहां भी भाग रहे हैं उनसे हटाकर प्रतिनिवर्तयन सन्मार्गे प्रवर्तित, अधर्म मार्ग से हटाकर धर्म मार्ग में शास्त्र मार्ग में उनको प्रवृत्ति दे, अत्र बुद्धि सारते स्ववशा स्ववशता पालनम शमः, तो इसमें क्या है कि शम क्या है, तो कहते बुद्धि सारथी जो है, बुद्धि जो सारथी है रथ की इंद्रियों की स्ववशा स्ववशता आपदान आपादनम, जो अपने वश में लाना है इस बुद्धि सारथी का उसको शम कहेंगे, माने मन को अपने
नियंत्रण में रखना, उसको शम कहा है, अंतकरण को जो बुद्धि का काम भी करती है मन का काम भी करती है, और इंद्रियों को अपने वश में रखना उसको दम कहा है, तो अश्वों को अपने नियंत्रण में रखा, इंद्रिया इंद्रिय अश्व, इंद्रिय जो अश्व है, इंद्रिय अश्व वशीकरण दमः इति। तो उदाहरण में जो है इंद्रियों को अपने वश में रहना माने उदाहरण में जो अश्वों को अपने नियंत्रण में लाना उसको दम कहते हैं। अन्यत्र भी उक्तम, और आगे क्या कहते हैं, इन सब का एक क्यों होना है, ये कह रहे हैं, एक उदाहरण से बता दिया कि सब जुड़े हैं, शमदम इत्यादि जुड़े हैं, इसीलिए छे जो है ये समाधि षटक को एक साधन कहा गया है। अन्यत्र भी उक्तम, और क्या कहा गया है, मने एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष एवं बंधा विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम स्मृतम। तो एक उपनिषद क्या कहता है, मन एवं मनुष्याणाम बंध मोक्ष एवं कारण, कारण भवति, बंध और मोक्ष का कारण क्या है, मन ही है, जो मन इंद्रियों के वश में है वो बंध का कारण है, और जो मनुष्यों के लिए जो मन, कौन सा मन मोक्ष का कारण है, जो इंद्रियों को अपने वश में रख सकता है, और बुद्धि जिस मन को अपने वश में रख सकती है, बंधाय विषयासक्तम, बंध के लिए क्या, मन मनुष्यों के बंध के लिए क्यों कारण है, क्योंकि बंधाय विषयासक्तम, विषय से जुड़ा हुआ है, विषय से खींचा हुआ है, विषय के आसक्ति से खींचा हुआ है, मुक्ति मुक्ति के लिए क्या, निर्विषयम स्मृतम, मन जो निर्विषय हो जाता है उसको मुक्ति का कारण कहा गया है, ऐसी स्मृति है, ऐसे श्रुति से भी आया है, चित्तम कारण अर्थानाम तस्मिन् सति जगत त्रयम् तस्मिन् क्षीणे जगत क्षीणम् तच्चिक तच्चिकित्स्यम् प्रयत्नतः इति। और क्या कहा है, प्रयत्न से चिकित्सा करे, किसकी, ये चित्त की, मन की, मन की चिकित्सा ठीक से करे, क्यों, अर्थानाम कारणम्, ये जो पदार्थ है प्रपंच का कारण ही मन है, तस्मिन् सति जगत त्रयम्, तस्मिन् चित्ते सती, जब भी चित्त होगा कभी होगा, जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में मन है, तब क्या है कि जगत त्रयम पूरा सभी प्रपंच जो है तीनों लोक जो है वो केवल तब होती जो मन है, जब भी निद्रा अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में मन सो जाता है तभी कोई भी लोक नहीं है, ना देवलोक है, ना ये लोक है, ना पाताल लोक है, नरक इत्यादि भी नहीं है। तो तस्मिन क्षीणे, चित्ते क्षीणे जगत क्षीणम, जगत ये लोकत्रयात्मक जगत या है, या चतुर्दश लोक ले लीजिए, कोई भी लोक नहीं होता तभी जगत क्षीणम, तत् चिकित्स्यम प्रयत्नतः, तत् चित्तम मनः चिकित्स्यम, उसकी चिकित्सा करनी चाहिए ठीक से, माने अपने नियंत्रण में बुद्धि के द्वारा रखना चाहिए, प्रयत्नतः यत्न करना चाहिए, प्रकर्ष यत्न करना चाहिए, सारथे अश्वानां च यथा परस्पराधीनता। अभी कहते हैं जैसे सारथी और अश्वों के बीच में परस्पर अधीनता है, एक अगर बलवत्त होगा तो दूसरे को खींच लेगा, इसीलिए क्या है कि दोनों में ऐसा संबंध ऐसे जुड़े हैं कि वो अलग नहीं किए जाते, जैसे रथ कहते हैं, रथ बिना अश्व का रथ नहीं है, बिना प्रग्रह भी अश्व होंगे, और अगर जुड़े भी हो गए बिना प्रगृह और सारथी के भी रथ रथ नहीं हो गए, सब एक साथ मिलकर एक रथ की कल्पना की है, वैसे ये रथ क्या है, सारथी भी चाहिए, घोड़े भी चाहिए, प्रगृह भी चाहिए, और क्या है कि रथ का जो शरीर है वो भी चाहिए, चक्र इत्यादि जो है, ये सब मिलकर रथ बनता है, और उसमें एक रथी होगा जो प्रवास कर रहा है, तो इसीलिए कह ये कहते हैं ये सब जुड़े हुए हैं, रथी के लिए जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब इनका अपना कोई कार्य नहीं है, अपने लिए नहीं है, स्वार्थ नहीं है कोई, इनका सब काम तो रथी के लिए है, तो क्या ये अपने आप काम करते रहेंगे तो रथी को कुछ नहीं मिलेगा, रथी के लिए इनका काम है, इसीलिए ये सब क्या है कि एक साथ एक ही काम के लिए जुड़े हैं जो रथी के हित में हो, नहीं तो उसके हित में नहीं होंगे, तो फिर भी ये जुड़े होंगे तो इनका कैसा नियंत्रण होगा, सबका जो भी नियंत्रण होगा तभी रथी के हित में नियंत्रण होगा इनका, रति के लक्ष्य को पहुंचने के लिए इनका सबका जैसे जुड़ा है वैसे इनका सबका नियंत्रण करना है, इसीलिए कहते हैं सारथे अश्वानां च, रथ के साथ अश्वों का यथा परस्पर अधीनता है, आधार आधेय भाव है दोनों, क्या है कि एक दूसरे के साथ, एक की दृष्टि से दूसरा चाहिए, दूसरे की दृष्टि से पहला चाहिए, इसीलिए तथा बुद्धे इंद्रियाणां च परस्पर अधीनता वर्तते, वैसे बुद्धि और इंद्रिय भी जुड़े हैं, दोनों की
अपेक्षता है इंद्रिय और बुद्धि दोनों एक दूसरे के होते ही काम करते हैं और वैसे ही इनका दोनों का नियंत्रण होना चाहिए। विचित्र अनेक मणि घटित माला यथा चामीकरत्वेन एकत्व व्यवहार तथा षण्णामपि विलक्षणानां समाधीनां परस्पर अपेक्षणेन एक साधनत्व व्यवहार। तो क्या कहते हैं कि सबका कैसे एक व्यवहार, एक साधन करके व्यवहार हो रहा है, छह मिलकर एक साधन कैसे बन गए, छह तो भिन्न भिन्न साधन है। तो कहते हैं और एक उदाहरण देते हैं, जैसे माला है, माला में भिन्न भिन्न मणि है, एक ही रंग के हो ऐसा भी नहीं है, एक ही रंग के हो भी तो भी भिन्न मणि है। तो विचित्र अनेक मणि घटित मालायाः, जैसे माला में भिन्न भिन्न विचित्र मणि है तो माला कैसे बनती है, जब ही सभी मणि जुड़े होंगे एक तंतु से तब जाकर उसको कहेंगे माला। तो यथा, तो किंतु क्या है कि वो तंतु जो है सोने की जो बनी है, तो चामीकरत्वेन स्वर्णत्वेन सोने के रूप में जैसा देखेंगे सोने की माला है जिसमें इतने मणि जड़े हुए हैं, तब जाकर कहेंगे एक माला है। भिन्न भिन्न मणि है किंतु सोना देखेंगे तो क्या है कि सोने की माला कहेंगे, उसमें मणि जुड़े हुए। तो चामीकरत्वेन एकत्व व्यवहार यथा तथा, जैसे एक माला सोने की माला ही है, भिन्न भिन्न मणि है उसमें, वैसे ही सभी छह मणि है, समझिए छह मणियों की एक माला है पर एक ही माला है, वैसे ही षण्णामपि विलक्षणानां समाधीनां। तो ये एक एक मणि तो भिन्न है किंतु माला के रूप में एक ही माला है, वैसे ही छह साधन भिन्न है, एक एक साधन है, उसके लक्षण भी अलग है उनके, किंतु एक ही साधन रूप में जब ये सब जुड़े देखे जाएंगे तभी एक ही साधन है। समाधि नाम परस्पर अपेक्षण, एक दूसरे की अपेक्षा है तब जाकर एक माला बनी, क्योंकि छह मालों की, छह मणियों की अगर माला कह रहे हैं तो छह मणि छह कब बनेंगे एक दूसरे पर निर्भर है, तब जाकर एक माला बनेंगे। वैसे ही परस्पर अपेक्षा इन साधनों को, इसीलिए क्या है एक साधनत्व तो व्यवहार, इसीलिए एक ही साधन है। अभी इनके परस्पर अधीनता कैसे, आपने तो कह दिया परस्पर अधीनता, पर परस्पर अधीनता तो सिद्ध नहीं हुई ना, कहने से तो मात्र से सिद्ध नहीं हुई, तो इसीलिए क्या कहते हैं समाधीनाम परस्पर सहायता च इत्थम, कैसे अधीनता है एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, शमदम इत्यादि छे, तो उसके बारे में बतलाते विश्लेषण करते। मनोवशीकरण मंत्रेण इंद्रियस्य जयो न संभवति इति दमः शमम अपेक्षते। दम को शम की अपेक्षता अपेक्षा क्यों है, दम क्या है इंद्रियों का नियंत्रण करना, शम क्या है अंतःकरण मन का नियंत्रण करना। तो मनोवशीकरण मंत्रेण, बिना मन के नियंत्रण से इंद्रियों का जय न संभव नहीं है, इंद्रियों पर जय नहीं पा सकते। अगर इंद्रिया आपने मन, क्योंकि क्या है इंद्रियों का हटाना दम कहते हैं, तो इंद्रियों को अगर आपने हटा भी दिया तभी क्या है अगर मन में चिंता चलती रहेगी तो इंद्रिया भी फिसल जाएंगे, विषय की ओर जाएंगे ही जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं कि दमः शमम अपेक्षते, इसीलिए अगर आपने इंद्रियों का नियंत्रण कर दिया फिर भी विचार अगर करते रहे तो इंद्रियां फिसल जाएंगी, इसीलिए दम शम पर निर्भर है। बहिर्मुखस्य मनसः दारपुत्र वित्ताद्यासक्तस्य वेदांत शास्त्र गुरु प्रभृतिषु पूर्ण श्रद्धा असंभवात, श्रद्धा शम अपेक्षते। ठीक है, श्रद्धा को शम की अपेक्षा कैसी है, तो कहते हैं जो बहिर्मुखस्य मनसः, मन बाहर की ओर जा रहा है, विचार चल रहा है कि बाहर के विषयों में, बाह्य विषयों में ही विचार चल रहा है, काम कुछ कर नहीं रहा हूं मैं, किंतु सभी विचार चल रहा है, सभी मन में चल रहा है, इसीलिए क्या है बहिर्मुखस्य मनसा दार पुत्र वित्ताद्य आसक्तस्य। ये मन में क्या आसक्ति है, दार, दार शब्द जो है नित्य बहुवचन है, तो पुल्लिंग है, पर अर्थ क्या है पत्नी। दाराह शब्द जो है नित्य बहुवचन और पुल्लिंग होते हुए भी अर्थ उसका पत्नी है, एक ही पत्नी, बहुवचन में नहीं, एक ही पत्नी, तो पुत्र और बच्चे, वित्त धन इत्यादि, तो सब विषय जो है उसमें आसक्ति मन को है, इसीलिए संस्कार है, वासना है, वही चलते रहते हैं विचार, तो जिसको डे ड्रीमिंग कहते हैं, कर नहीं पाऊंगा तो सोचते हो, इसीलिए स्वप्न में भी वही उद्भव होता है। तो बहिर्मुखस्य मनसा दार पुत्र वित्त आदि आसक्तस्य मन,
मनसः वेदांत शास्त्र गुरु परमृतिषु पूर्ण श्रद्धा असंभवात। तो गुरु में श्रद्धा कहां से आएगी, वेदांत में श्रद्धा कब आएगी, जब ही मन अगर पति पत्नी पुत्र इत्यादि उन्हीं की चिंता करते रहेंगे तो श्रवण तो नहीं हो पाएगा। तो गुरु में श्रद्धा कहां से आएगी, अरे गुरु तो पति पत्नी तो नहीं है गुरु, तो कहेंगे अरे पुत्र भी नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि वो श्रद्धा नहीं, और वेदांत श्रवण तो होते रहेगा, बाल बच्चे को पहले देखेंगे कि वेदांत श्रवण करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक है। इसीलिए क्या है कि जहां मन अपने पूर्व संस्कारों की सिद्धि के लिए विचार करता है, उसमें वैसे व्यक्ति में वेदांत और शास्त्र इत्यादि गुरु में इत्यादि में जो भी है उसमें श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी, असंभव है। इसीलिए क्या है, श्रद्धा क्षमा उपेक्षित। इसलिए क्या है, श्रद्धा भी क्या है, श्रद्धा पूर्णता सिद्ध होने के लिए मन भटकता नहीं रहना चाहिए, मन में वैसे भक्ति चाहिए जैसे भक्ति अपने पुत्र इत्यादि में है। वैसे ही भक्ति जब होगी तब जाकर क्या है कि पुत्र इत्यादि से मन थोड़ा उस समय के लिए तो हट जाएगा, नहीं तो क्या है कि कभी भी मन वही करता रहेगा, तो श्रवण कभी करेगा, मुक्ति के लिए कभी काम करेगा। अंतरा मनोनिरोधम ब्रह्मणि चित्त एकाग्र असंभवात समाधानम स्वयं अपेक्षते। समाधान एक चित्त, चित्त की एकाग्रता कब होगी, जब क्षमा होगा। मन ही अगर भटक रहा होगा तो चित्त कैसे एकाग्र होगा, बुद्धि तीव्र कैसे होगी। इसीलिए क्या है, अंतरा मनोनिरोधम, मन को नियंत्रित करने के केंद्रित करने से पहले तो नहीं होगा। चित्त एकाग्रता क्या है, मन को केंद्रित करेंगे उसी को चित्त एकाग्रता कहेंगे, आगे जाकर किसी एक विषय में लग जाएगा। इसीलिए के अंतरा मनोनिरोधम, बिना बिना मन के निरोध से, मन के निरोध के बिना ब्रह्म में चित्त का एकाग्र होना असंभव है। इसी में भी होना असंभव है, यहाँ पे ब्रह्म विषय है इसीलिए ब्रह्म में केंद्रित नहीं हो सकता, एकाग्रित नहीं हो सकता मन। इसीलिए समाधान को शम की अपेक्षा है। क्षीरादिना संवर्धितो मार्जा रहा पाशाद्य वशीकृतत्वात् मूषक दर्शन मात्रेण यथा तद्ग्रहणाय धावेत एवं। उदाहरण देते हैं किसके लिए, उपरति ही शमम अपेक्षते। उपरति जो है उसको शम की अपेक्षा कैसे है, तो उसमें एक उदाहरण देते हैं कि जैसे उपरति क्या है, हमने देखा था कि शम और उपरति में भिन्नता बतलाई थी, दोनों क्या है कि नियंत्रण ही के रूप में ही है, किंतु क्या है कि शम क्या है, शम दुष्ट की दोष दृष्टि से जब नियंत्रण करेंगे उसको शम कहेंगे, और जब स्वाभाविक बन जाएगा कि दोष दृष्टि करने की अपेक्षा नहीं है, तभी आवश्यकता नहीं है, तब जाकर क्या है कि वो उसको उपरति कहेंगे। तो अभी क्या कहे, शम तो प्राप्त हो गया कि क्या है कि दम प्राप्त हो गया, शम प्राप्त हो गया, तो क्या कि दोष दृष्टि नहीं कर रहे कि, तभी क्या होगा कि अगर स्वाभाविक दोष दृष्टि बिना किए अगर हम कहते कि उपरति है तो वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोष दृष्टि पहले करके नियंत्रण करना है। अगर वो क्षमा नहीं होगा तो क्या होगा, स्वाभाविक तो नहीं बनेगा वो। तो उसके लिए उदाहरण देते, जैसे कहते क्षीरादिना संवर्धिता मार जा रहा, कि बिल्ली है, बिल्ली को क्या है कि आपने, बहुत प्यारी बिल्ली है आपके लिए, और आपने उसको बहुत सारा दूध पिलाकर हट्टा कट्टा कर दिया, हट्टी कट्टी बिल्ली अभी अभी। ये क्षीरादिना संवर्धित मार जा रहा, ये बिल्ली क्या कर रही है, पाशादी वशीकृतत्वात् उसको आपने बांध के रखा है, तब क्या होगा, बांध के जो बिल्ली बांध के रखी है, हट्टी कट्टी है पर बंधी है, जो तो बंधी हुई है, तब क्या होगा, अगर वहां पे चूहा दौड़ रहा है, पहले तो चूहा दौड़ रहा है, आपने चूहा की जगह क्या है कि उस चूहे के पीछे मत भाग, मैं खाना खिलाऊंगा खिलाऊंगी, और क्या कि आपने दूध इत्यादि पिला दिया, हट्टी कट्टी है, तब जाकर भी क्या होगा, पाशादि वशीकृतत्वात् मूषक दर्शन मात्रेण यथा तद्ग्रहणाय धावे। पाशादि अवशीकृता, अवशीकृता बद्धी हुई नहीं है, मैं बद्धी हुई का पर बद्धी हुई नहीं है, अगर बद्धी हुई है तो भागेगी नहीं, तो क्या है कि बिल्ली को तो आप देखते हैं, कुत्ते को बांध के रखते हैं, बिल्ली को बांध के नहीं रखते, बिल्ली को क्या है कि छोड़ के रखते हैं, तो ये पाशादि अवशीकृता, क्योंकि बिल्ली बंधी हुई नहीं है, तब क्या होगा, बंधी हुई नहीं है, तो बिल्ली अगर खाना रखा है, दूध रखा है, वो सब पी लिया, खा लिया,
हट्टी कट्टी है, फिर भी क्या है कि अगर चूहा देखेगी तो उसके पीछे भागेगी ही भागेगी। तो कहते हैं कि मूषक दर्शन मात्र, केवल देख लिया तो क्या पूर्व संस्कृत संस्कार जागृत हो जाते हैं और भागेगी। कार्टून में जो दिखाते हैं टॉम एंड जेरी वाले, तो वैसे ये क्या है कि मूषक दर्शन मात्र यथा तद ग्रहणाय धावेद, भाग सकती है फिर भागेगी नहीं, भाग सकती है कि नहीं, तो मन की अवस्था क्या होगी। एवं विषयभ्य उपरतम अपि मनः, जो मन क्या है कि उससे हटाया तो गया है पर अभी क्या है कि उसको दोष दृष्टि से देखकर बांधा हुआ नहीं है, तो खुली छूट है मन को विषय में जाने के लिए, खुली छूट तो है, बांध किसी से बंधा हुआ नहीं है। तो क्या उपरोत्तम अपि मनः निरोधादि भी अवशीकृतं चेत, कि दोष दृष्टि से जिसका निरोध नहीं किया गया, मन को भटकने नहीं दिया, क्योंकि हर बार भटकता है तभी क्या है कि आप कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, वैसे अगर नहीं किया गया तो निरोधादि भी अवशीकृतम चेत, तब क्या होगा संप्राप्ते विषय, अगर विषय आ जाएगा तब क्या करेंगे, अरे ये तो प्रिय है, प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति जागृत हो जाएगी, संस्कार जागृत हो जाएंगे और भागेगा। प्राचीन वासना वेगा भावेद, भाग भी सकता है और क्या के भागेगा, अवश्य भागेगा। इसीलिए क्या है कि इच्छता उपरति समम अपेक्षते, इसीलिए क्या है कि उपरति भी शम की अपेक्षा रखती है। अंतर्मुखी भूत मनसा एव शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम कर्तुम शक्यते, न तु बहिर्मुखी भूत मनसा इच्छतः तितिक्षा अपि शम अपेक्षते। तो तितिक्षा को शम की अपेक्षा क्यों है, तो कहते हैं अंतर्मुखी भूत मनसा एव शीतोष्णादि द्वंद्व सहनम कर्तुम शक्यते, शीतोष्ण दुख इत्यादि सुख दुख इत्यादि जो या तो क्या क्षुत पिपासा इत्यादि जो द्वंद्व है उनका सहन कैसे कर पाएंगे, मन जब ही केंद्रित होगा नियंत्रित होगा तब जाके अंतर्मुखी जो मन है उससे ही हो सकता है, इसीलिए क्या है बहिर्मुखी मन से तो नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं तितिक्षा को भी शम की अपेक्षा। इति शमः दमादीनां पंचानां सहकार, इसीलिए क्या है कि एक शम को लेके दिखा दिया कि पांचों को शम की अपेक्षा, इसीलिए एक साधन हो गया ये। अभी आगे दम की अपेक्षा क्यों है ये अगले पाठ में देखेंगे कि बाकियों को दम की अपेक्षा कैसे है, ऐसे ये एक दूसरे पे कैसे निर्भर है ये दिखला रहे टिप्पण में। सुखम नित्यम सब प्रकाशम व्यापक नाम रूपी अधिष्ठान बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव निश्चितामति ही। कोई प्रश्न है क्या अभी? तो क्या है कि ये अनुबंध चतुष्टय का ही तरंग है, अध्याय है, इसीलिए अधिक अभी कुछ तत्व नहीं है इसमें। ठीक है अगले पाठ में मिलते हैं, नमस्कार। एक हाँ शारदा जी बोली। इसे करते हैं, हाँ शारदा जी प्रश्न था। नमस्ते। नमस्ते। स्ववशतापादनम, सो आपादनम मीन्स लाना, आपने बोला हिंदी में, तो हाँ आपादनम का लिटरल मीनिंग मतलब संस्कृत का पर्यायवाची क्या होगा? आपादन माने प्राप्त करना, स्व स्ववश आपादन, स्ववश में लाना माने स्ववश प्राप्त करना, पदगतौ आपूर्वक पदगतौ, तो आगमन अर्थ में आएगा लाना प्राप्त करना। चामी चामी करत्वेन, सो चामी कर इज द पर्यायवाची फॉर कनक, सोना, हाँ सुना समझ सकते हैं। सो द वर्ड इज चामी कर। चामी कर, देखिए उसका मुझे भी देखना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या हो जाएगा चामी कर, क्योंकि चामी कर क्या है कि उत्पत्ति स्थाने शब्दार्थ, क्योंकि क्या है कि स्वर्ण किसके लिए कहते हैं व्युत्पत्ति अर्थ, देखिए चामी कर कहेंगे तो क्या है कि वो उपपद तत्पुरुष बन जाएगा, तो वो कैसे वो चामी कर अर्थ आता है वो यौगिक अर्थ देखना पड़ेगा, पर क्या है कि उसका रूढ़ी अर्थ क्या है स्वर्ण, कैसे आता है उसके लिए मुझे भी देखना पड़ेगा कल्पद्रुम इत्यादि। चामी कर का अर्थ स्वर्ण है सोना। सो चामी करत्वेन हाउ विल यू
मतलब इसका आप विच्छेद कैसे करते हैं, संधि विच, हाउ डज इट फॉर्म, चामी करत्वे ना। गया क्या था संधि विच्छेद के लिए, कहाँ था शब्द स्विच तितिक्षण त्यक्ते। हाँ यहाँ पे वेदांत श्रवण मंत्रण चुप्पी पासा शब्द ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर इट, वेयर इज इट। आई थिंक दैट वुड या यहाँ पे यथा, तो यहाँ पे क्या चामी करत्वे ना एकत्व व्यवहार, संधि विच्छेद क्या है, क्या प्रश्न था यहाँ पे, चामी करत्वे ना एकत्व व्यवहार। तो चामी कर, अगर चामी कर इज द शब्द फॉर कनक, तो मतलब हाउ डज इट, चामी करत्वे ना कैसे बना। चामी मनुष्य और मनुष्यत्व में क्या संबंध है, मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वं तस्य भावः त्वतलो, तो क्या है कि ये मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, तो चामी कर में क्या होगा, चामी करत्व होगा। ओके, सो इज इट लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? यस इट इज। सी ये अभी इसके लिए तर्क का अभ्यास चाहिए, घट में घटत्व है, तो जो भी लक्षण देते, अभी देखिए गो का लक्षण देते कि गाय क्या है, तो गाय का लक्षण देंगे तो अभी जैसे ये बताते हैं जिन्होंने तर्क का अभ्यास किया उनको पता, अभी बच्चे को कहते हैं ये गाय है तो उसको क्या समझ में आता है, जब भी समझाएंगे ये गाय है, दिखा के बतला दिया तो कोई लक्षण समझा दिया कि ये गाय है, तो अगर उसको दिखाया है कि एक श्वेत गाय दिखाई है और वो बाहर जा रहा है पिता के साथ और एक काली गाय देखता है या मिट्टी के रंग की गाय देखता है, उसको वो भी गाय कैसे समझ में आती है, क्योंकि रंग तो भिन्न है रूप भी भिन्न, उसी तरह छोटी बड़ी हो सकती है, फिर भी उसको कैसे समझ में आता है, क्योंकि लक्षण जो एक समझ में आया दूसरे में वो बच्चा अपने आप कैसे लगाता है, उसके लिए क्या कहते हैं तार्किक कहते हैं, जब ये गाय समझती है ये गाय है तभी उसको गाय क्या समझती है, गाय व्यक्ति नहीं समझ सकती है, समझती है उसको, उसको क्या अर्थ समझ में आता है, हर किसी को जब ये एक वस्तु समझ में आई वो व्यक्ति नहीं, नॉट एन इंडिविजुअल, उसका जो उसको क्या कहते हैं, उसको जाति कहते हैं, उसको गोत्व समझ में आता है, गोत्व जाति समझ में आती है, तो क्या है कि जाति इज अ इट इज अ सामान्य धर्म, सामान्य धर्म कहते हैं, सामान्य धर्म क्या है, गो का गोत्व है, सामान्य धर्म हमारा क्या, हर गो में जो हो, हर गौ में हर गाय में जो हो उसको क्या कहेंगे, गोत्व, हर मनुष्य में जो है उसको मनुष्यत्व कहेंगे, हर घट में जो है उसको घटत्व कहेंगे, तो अभी जो लक्षण देते हैं तार्किक जो भी लक्षण देते हैं तो तार्किक लक्षण भी कैसे देंगे, वो सामान्य धर्म लेकर देते हैं, तो गोत्व का लक्षण देते हैं ना कि गाय का, तो गाय का लक्षण क्या है, गोत्व का लक्षण, तो गोत्व शब्द का प्रयोग होता है, तो ये सभी जगह तर्क में टीका में जब ये बात करते हैं किसी के तो सामान्य सबकी जो बात करते हैं तभी त्व प्रत्यय लगा रहते हैं, त्व या तो ता प्रत्यय होता है, त्व त्व त्वा दोनों होते हैं, स्त्रीलिंग में ता आता है, जैसे मनुष्य मनुष्यत्वम मनुष्यता या मानुष्यम, ये तीनों का एक ही अर्थ है, इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, एक में त्व प्रत्यय जो नपुंसक लिंग देगा, ता है जो स्त्रीलिंग शब्द देगा, और ष्यंज प्रत्यय वो वृद्धि कर, जो व्याकरण पढ़े उनको पता है वृद्धि कर वो भी नपुंसक लिंग देगा, तो मनुष्यत्वम मनुष्यता या मानुष्यम, घटत्व घटता या घाट्यम, गोत्वम गोता या गौ, ये शब्द सुनाई नहीं है इसलिए कहना ठीक नहीं है, तो ऐसे सब जो है कि प्रत्ययों के साथ जो है वो सामान्य जो है वो बतलाता है, तो चामी करत्वे ना, ये तृतीया में हेतु बताया, हेतु या तो उस रूप में इत्थम इत्थम भूते तृतीया भी कहेंगे, चामी करत्वे ना, चामी कर स्वर्ण के रूप में, ऐसे अर्थ लगाएंगे, स्वर्ण के रूप में, स्वर्ण माला के रूप में, सोने की माला के रूप में एक हो गए, मणि भिन्न होते हुए भी क्या है कि चामी करत्वे ने माने जब इस सोने की दृष्टि से देख रहे हैं तो सोने की एक ही माला है, तो इसीलिए कह कि छह सब एक हो गए एक माला में, वैसे तो एक त्व उसी अर्थ में हर बार इसका प्रयोग होगा, हर जगह आप देखेंगे साधनत्व व्यवहार, साधन का व्यवहार साधनत्व करके कहेंगे, साधनत्व व्यवहार कि उसमें सामान्य दिखते हैं,
सामान्य साधना ऐसा व्यवहार होता है, तो साधना व्यवहार नहीं कहेंगे, साधनत्व व्यवहार कहेंगे कि उसमें, तो तभी क्या देखना चाहिए, साधन में साधनत्व है तो उसको देखकर व्यवहार होता है, ठीक है ना। एंड जी एक और हाँ मनोवशीकरणम हाँ अंतरेण, सो अंतरेण का बिना अर्थ इस बिना 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 इसका जो है अंतरेण ये स्टार्ट लुकिंग अप अंतर डिक्शनरी, आई कांट एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वर्ड इंडिविजुअली, लंबा चलेगा वो, आई कैन एक्सप्लेन बट द थिंग इज दैट इसके लिए थोड़ा अभ्यास चाहिए, आपको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। एक-एक शब्द का अगर मैं बताता रहूंगा, रिकॉर्डिंग भी है उसके साथ देख सकते हैं, इसका बताया मैंने अंतरेण, पर अगर एक-एक शब्द का अर्थ बताऊंगा ना तो ये खत्म नहीं होगा, संस्कृत का पार्ट बन जाएगा। आई मीन सॉरी फॉर दिस, क्योंकि ये लंबा चलेगा, इट विल नेवर एंड। वैसे भी ये क्या आधे घंटे का मैं ले रहा हूँ, 45 मिनट। यू कैन वेट, आई कैन एक्सप्लेन, आई हैव टाइम टुडे, आई डोंट माइंड स्टेइंग बैक, बट द थिंग इज दैट यू विल हैव टू पुट एन एफर्ट। आई विल आंसर एज मच एज पॉसिबल, आई डोंट वांट टू होल्ड बैक अदर्स आल्सो। आप जाना चाहते जाइए, आप पूछिए, बट आई विल जस्ट टेल यू दैट फॉर कंस्ट्रक्ट्स यू विल हैव टू वर्क ऑन योर ओन एज वेल। आपको प्रयास करना पड़ेगा, हैव द हैबिट टू स्टार्ट लुकिंग अप डिक्शनरीज, बिकॉज अभी वो क्या है कि पहले जैसे पुस्तक भी नहीं चाहिए आपको, सभी कलर डिक्शनरी इत्यादि पे मिल जाते हैं, लैपटॉप पर ढूंढने से मिल जाते हैं, तो आपको जो अर्थ है वो ले सकते हैं आप, कि उससे अधिक अभ्यास होगा। मैं तो यहाँ पे जो अर्थ है समझा दूंगा, पर आपको संस्कृत का, इसमें तो संस्कृत का लाभ जो देख रही है उसके लिए आपको प्रयास स्वयं भी करना पड़ेगा। मनोवशीकरण अंतरेण बिना उसके, तो मैं जितना हो सके शब्द तोड़कर ही समझा रहा हूँ, क्योंकि वाक्य पढ़कर मैं वाक्य का अर्थ नहीं बतला रहा हूं, मैं शब्द का अर्थ भी साथ में बता रहा हूं। मनोवशीकरणे करणम अंतरेण, बिना मन को वश में लाए, ऐसा अर्थ ही बता रहा हूं जितना हो सके, क्योंकि ये क्या अभ्यास है, आचार्य से ऐसे ही प्राप्त है, तो मेरा भी अभ्यास बन गया, तो मैं शब्द का अर्थ जितना हो सके बताता हूँ, फिर वाक्य का जैसे जुड़ता है वैसे अर्थ बताता हूँ, क्योंकि क्या कि दोनों नहीं कर सकते हर बार, प्रयत्न करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं शब्दता बता दिया तो वाक्य का अर्थ हो रहा है। कुछ लोग क्या है कि वाक्य का अर्थ वाक्य के अर्थ की अपेक्षा करते हैं, क्योंकि एक एक शब्द बता दिया, किंतु क्या है कि संस्कृत हिंदी या तो संस्कृत इंग्लिश मिक्स है तो नहीं हो पाता, ये होता है वैसे तो, हर एक आचार्य का हले अलग अलग इससे ठीक है कि एक एक अपनी ही व्यवस्था होती है, तो मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि सबको लाभ हो, कितना हो पाएगा पता नहीं, पर आपको है प्रश्न अधिक भी पूछिए, पर क्या है कि हर बार नहीं कर पाऊंगा नहीं नहीं क्योंकि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, पर नहीं आप बहुत डिटेल में यू आर डूइंग बोथ, द वर्ड का मीनिंग भी समझा रहे हैं, उसको वाक्य में कैसे जुड़ता है वो भी समझा रहे फिर हैं, उसके बाद मुझे पर कॉन्टेक्स्ट समझाना पड़ेगा, तो क्या है कि ये कर रहा हूं तो कुछ कुछ शब्द रह जाएंगे, पर ये क्या है कि अंतरेण ये अव्यय है जिसका अर्थ बिना हो जाता है, और यहाँ पे तो हो जाता है, अलग अलग भिन्न अर्थ भी है, तो क्या है कि हर बार यही अर्थ होगा ऐसा नहीं है, पर अंतरेण का अर्थ वैसा ही होता है, अधिकतर बिना के अर्थ में आता है। तो इसके लिए आपको अगर डिक्शनरी भी, कौन सी डिक्शनरी देखनी है उसके लिए चाहिए तो पूछिए, मैं बताऊंगा उसको, आप आपके मोबाइल पे भी डाल सकते हैं, एप्पल और एंड्रॉयड दोनों में है, और इसमें भी आपके लैपटॉप पे गोल्डन डिक्शनरी में डाल सकते हैं, मैं आपको डिक्शनरी बता दूंगा, आप ढूंढ भी सकते हैं उसको, देवनागरी में भी ढूंढ सकते हैं और आई ट्रांस इत्यादि में भी ढूंढ सकते हैं, अर्थ देखें जितना आप अधिक करेंगे उतना ही आपको, क्योंकि शब्द था तो आप, मैंने कहा कि पाठ के समय तो हर एक शब्द का अर्थ आप लिख पाएंगे ये तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए रिकॉर्डिंग्स है, आप रिकॉर्डिंग्स फॉलो कीजिए, उसके बाद भी अगर प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं जितना हो सके बताऊंगा, क्योंकि अभी क्या है कि अभी देखिए चामी कर का अर्थ स्वर्ण कैसे होता है, अभी पढ़ते समय ये अर्थ लग रहा है, मैंने अर्थ बतला दिया, अभी चामी कर करके अगर आप उसका पूछेंगे तो मेरी बुद्धि भी वहां दौड़ती है, अरे चामी कर है तो मुझे देखना पड़ेगा ये चामी कर अर्थ कैसे है, क्योंकि क्रू दिख रहा है शब्द, तो मुझे व्याकरण के संस्कार आते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी ये उपपद तत्पुरुष समास बन गया, तो उपपद तत्पुरुष में क्रू धातु के साथ चामी करके क्या लगा हुआ है, तो उसके लिए अभी तो हर शब्द तो नहीं पता, और मेरा ज्ञान मैंने पहले ही बताया, संस्कृत का ज्ञान मेरा केवल वेदांत में सीमित है, तो जितना वेदांत में है उतना ही पता है मुझे, ना मुझे काव्य साहित्य पता है ना कुछ और पता है, ना ही रुचि है, तो क्या है कि जो वेदांत से हटकर जो जो अभी शब्द जो उदाहरण में आते हैं, अभी हय करके अगर स्मरण नहीं आ रहा है तो मुझे हय सुना हुआ है, गीता में भी आता है इसलिए अश्व करके अर्थ लग जाता है, नहीं तो मुझे भी देखना पड़ेगा कि हय क्या है, तो हय अश्व है घोड़ा है, ये स्मरण आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो हय का अर्थ तो वेदांत में हय नहीं आएगा, तो वेदांत माने महावाक्य इत्यादि के इसमें नहीं आएगा, उदाहरण के रूप में आएगा,
तो इसीलिए क्या है कि मुझे भी यही डिक्शनरी यही देखने पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या है कि आप भी थोड़ा प्रयत्न कीजिए, तो क्या है कि मेरा थोड़ा ये कम हो जाएगा प्रयास। करने में कुछ नहीं है, किंतु क्या है कि हर इसके लिए मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे, तो जितना आप देखें उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। जी ठीक है, जी सॉरी बट इफ आई एम नॉट एबल टू हेल्प विथ एवरीथिंग, बट आई एम ट्राइंग माई यू नो नो एज मच एज पॉसिबल। आई विल नो डेफिनेटली फॉल शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, आई कांट लिव अप टू एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, आई ट्राई डू। ठीक नहीं है, नहीं एक्सपेक्टेशन की बात ही नहीं नहीं है नहीं जी। बोल रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड यू नो, बट स्टिल दिस इज द रीजन दैट सम संस्कृत इज नीडेड, सम तर्का इज नीडेड। आई ट्राई टू यू नो ट्राई टू एक्सप्लेन टू एवरी वन, बट देन ईच एंड एवरी वर्ड इफ यू हैव अ क्वेश्चन देन वॉट विल हैपन इज दैट यू नो आई बी डूइंग अ लिटिल ट्रांसलेशन विथ यू, विच इज यू नो टाइम कंज्यूमिंग फॉर मी एंड इट इज नॉट द फोकस ऑफ द पार्ट हियर। ठीक है, बट डू आस्क, डू नॉट फील डिस्करेज टू आस्क, डू आस्क ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, आई ट्राई टू आंसर एज मच एज पॉसिबल। सम डेज आई मे नॉट बी एबल टू डू, और सम वर्ड्स आई मे नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल्सो। ठीक है, ओके थैंक एंड स्पेशली आई एम हैप्पी दैट यू हैव रिजर्व दिस क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू संस्कृत व्याकरण एट द एंड ऑफ द क्लास। विद इन द क्लास ऑल्सो यू कैन आस्क मी इफ इट इज, अगर ये विषय से जुड़ा हुआ प्रश्न है तभी आप रोक कर बीच में ही पूछ सकते हैं। हाँ प्रेमा मैम, स्वामी जी। आई वांटेड टू, ये जो आपने डिक्शनरी बताई है वो हाँ आप हमें बता दीजिए, हम भी डाउनलोड करके रख लेते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे या कैसे करेंगे। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, ओके तो जो ये ऐसे था लग रहा था कि आपके पास होंगे। एक तो ऑनलाइन भी बहुत है अभी आजकल, ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, बहुत अवेलेबल है, एक ही जगह आप सब ढूंढ सकते हैं। एक वो है, दूसरा अगर आपके लैपटॉप, या तो अगर आप इसमें चाहते हैं कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, वैसे ही लंबा हो जाएगा, तो और अगर आप